नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। फतेहपुर जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब तो चोरों ने हद ही पार कर दिया। एसएमएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण का खागा क्षेत्र में काम चल रहा है, जिसमें खागा रेलवे ओवरब्रिज के पार नई रेलवे लाइन के बगल में ओमसल्स की दुकानदार के माध्यम से ठेकेदार के लगभग 80 पीसीसी पोल बेंच दिए गए हैं। लेकिन 6 जुलाई को इंजीनियर अमित शुक्ला शाम को किशनपुर की ओर से खागा आ रहे थे, तभी देखा कि ट्रैक्टरों में पीसीसी पोल जा रहे हैं और जब अपने पोल रखे थे उन्हीं से लोड किया है। उसी समय पूछने पर बताया कि हम तो ओमसल्स से खरीदा है। तभी पुलिस प्रशासन को सूचना देकर खागा कोतवाली लाया गया, जहां देर रात सुलह समझौता की बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी और इंजीनियर अमित शुक्ला ने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अशोक यादव पुत्र ओमकार यादव तैसाही खुर्द, संदीप यादव पुत्र ओमकार यादव तैसाही खुर्द और खरीदने वाले जितेंद्र पटेल पुत्र बद्री रूपेंद्र पटेल पुत्र बद्री रारी निवासी पकड़े गए हैं और लोगों की छानबीन जारी है। आप लोगों को बताते चले कि खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी खागा कोतवाली प्रभारी के संज्ञान में मामला है और अभी इसमें 379 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जबकि सूत्रों की माने तो टैसाही खुर्द प्रधान ने कहा कि इस मामले को लेन देन कर रात में रफा दफा कर दिया जाएगा। आइए सुने क्या बताया इंजीनियर अमित शुक्ला ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। Thank you.